मामला गोवर्धन विकासखंड के अंतर्गत अडिंग का है, जहां सामुदायिक केंद्र द्वारा जच्चा बच्चा घर बना हुआ था। आज इसकी जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय नागरिकों द्वारा सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा लिया गया है। इसकी शिकायत जब स्थानीय नागरिकों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को की तो सीएससी प्रभारी डॉक्टर तिवारी ने ग्राम प्रधान को सूचना दी, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद ग्राम प्रधान मौके पर नहीं पहुंचे। तब स्थानीय नागरिकों द्वारा मीडिया को सूचना देकर मीडिया को अवगत कराया गया कि कुछ दबंगों द्वारा प्रधान की मिलीभगत से सरकारी जमीन को कब्जा लिया गया है। एसआई नागरिकों ने प्रधान के ऊपर पैसे को लेकर जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। इसके बाद मीडिया की टीम ने डॉक्टर तिवारी से की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना विकास खंड अधिकारी से बात की है तथा कार्य को यथास्थिति में कार्य को रुकवाने की बात भी कही तथा राजस्व टीम को बुलवाकर इस जमीन की पैमाइश करवा कर इसका आगे का कार्य किया जाएगा। अब देखना यह है कि इन दबंगों के खिलाफ स्वास्थ्य एवं राज्य की क्या कोई कार्यवाही कर पाती है या नहीं। देखा जा रहा है कि आडिंग में एक जच्चा बच्चा केंद्र पर अवैध रूप से कब्जे की सूचना मिली है, क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, इसका संज्ञान मुझे जो है करीब एक हफ्ते पहले भी मुझे मिला था और मैं खुद जाके मैंने वहाँ पर मैंने विजिट किया तो ये सब सारी चीज़ें मैंने देखा है। तो उस समय भी हमने प्रधान प्रतिनिधि से हमने बात किया तो लेकिन वो हमें मौके पे मिले नहीं। करीब हमने उनका आधा घंटा वेट किया लेकिन फिर भी वो आए नहीं। और अभी भी हमने जो है बीडीओ साहब से हमने बात किया है और बीडीओ साहब ने जो है जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है तो उसको तो अभी अपना उन्होंने कहा है कि वो हम रुकवा दे रहे हैं। और लेखपाल के माध्यम से जिसकी अपना उसकी मतलब पूरा जो है डायमेंशन वगैरह करवा लेंगे, जिसकी जमीन होगी उसके हिसाब से वो होगा। मेरा नाम अजीत सैनी। कहाँ के निवासी आप? यहीं के अडिंग के रहने वाले। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कुछ अवैध कब्जे भी दिखे जा रहे हैं और यहाँ नीम वगैरह रखे जा रहे हैं, क्या कहना है? ये प्रधान की साजिश द्वारा इसको रास्ता छोड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जी, और प्रधान जबरदस्ती इसमें रास्ता छोड़वा रहा है। हम इसके विरोध में कि जो जमीन एक्स्ट्रा छोड़ी जा रही है ये प्रधान की चलती की साजिश द्वारा छोड़ी जा रही है। प्रधान ने कुछ पैसे लेकर के इस जमीन को इनके लिए बेच दिया। R9 भारत के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट, मथुरा से।